ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। लोकल ग्रुप पॉलिसी मैंने करवा दी थी आपको, डिटेल में की थी हमने, डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप पॉलिसी पढ़ी थी, लोकली अप्लाई की थी वो, कि जिस मशीन पे बैठे हैं उसी पे अप्लाई की थी। लाइक कंट्रोल पैनल हमने हाइड किया था, कंट्रोल पैनल पे एक्सेस डिसेबल की थी, यूएसबी ड्राइव हमने कहा था कोई यूज़र कनेक्ट ना कर सके अपने सिस्टम के साथ, यूएसबी को डिसेबल किया था। इसके अलावा मल्टीपल ग्रुप पॉलिसीज हमने लोकली कन्फिगर की थी। लेकिन आज हमने ग्रुप पॉलिसी को स्टडी करना है थोड़ा डेप्थ में नहीं बल्कि अच्छा खासा डेप्थ में पढ़ना है, और डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप पॉलिसी को स्टडी करना है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, और बेसिकली ये बताता चलूँ एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ग्रुप पॉलिसी को इंटीग्रेट करने का एक ही पर्पज़ है सिर्फ, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मिलती है आपको एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। पहले लोकल कर रहे थे आपने, अगर यूएसबी ब्लॉक करनी है आपने आपके नेटवर्क 500 मशीन के, तो 500 मशीन पे जाके आप ग्रुप पॉलिसी वो ऐड करके अलाउ करना पड़ेगी, ब्लॉक करनी पड़ेगी यूएसबी ड्राइव आपकी। लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी में कि आप एक सिंगल लोकेशन पे बैठ के जितने 500 मशीन का नेटवर्क हो 500 मशीन के ऊपर आप पॉलिसी को पुश करवा सकती हैं विद इन सेकेंड्स, कि आपने सर्वर पे पॉलिसी कन्फिगर की, क्लाइंट्स पे जाके वो पुश हुई तो ऑटोमेटिक वहाँ पे यूएसबी ब्लॉक हो रही। इससे तो एक्टिव डायरेक्टरी में किया है, वाई शुड वी यूज़ ग्रुप पॉलिसी इन एक्टिव डायरेक्टरी? अप्लाई सेटिंग्स फ्रॉम ए सेंट्रलाइज लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। बेनिफिट इसके मैंने बताए थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यूजर को फैसिलिटेट करता है, इसमें क्या ग्रेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी, यूजर अपना काम कर रहा है बैकएंड पे सारा का सारा काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंट है सारा का सारा। इनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा हमारी होती है, सिक्योरिटी देती है हमें, सेव कॉस्ट एंड टाइम, आपकी कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं आपको लेना पड़ा सिक्योरिटी लगाने के लिए, जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये फंक्शनलिटी ऐड कर दी गई है कि वो ग्रुप पॉलिसी को यूज़ कर सकता है सेंट्रली। इसके अलावा टाइम की बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम सेव हो रहा था आपका, कि आपको हर मशीन पे जाके ग्रुप पॉलिसी अप्लाई नहीं करनी पड़ती। ये देखते बेसिक ग्रुप पॉलिसी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके अलावा रिमोटली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बताऊंगा कि ग्रुप पॉलिसी के थ्रू रिमोट अपनी मशीन पे बैठ के रिमोट मशीन पे सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है। सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी हमने 4-5 लैब्स करके डिफरेंट देख ली थी। इसके अलावा ये यूज़र्स इन्वायरमेंट सेटिंग्स पर कंप्यूटर सेटिंग्स, कि यूज़र की जो भी यूज़र का इन्वायरमेंट है डेस्कटॉप वगैरह, उसकी थीम वगैरह है, उसकी प्रोफाइल पूरा का पूरा प्रोफाइल उसको मैनेजमेंट करने के काम आता है, किस तरह करने है बात की बात है। आगे चलते हैं ग्रुप पॉलिसी स्टेटस में। लोकल ग्रुप पॉलिसी आपको पता था gpid.msc उसका शॉर्टकट है, या ग्रुप पॉलिसी स्टार्ट में सर्च करने उसकी कंसोल ओपन हो जाती है, तो वहाँ पे ग्रुप पॉलिसी के ऊपर हम राइट क्लिक करके जो भी ग्रुप पॉलिसी लगानी थी लाइक यूएसबी ब्लॉक करनी है तो उसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी, जब मैं राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो वहाँ पे क्या ऑप्शन आ रही होती है, इनेबल डिसेबल नोड कन्फिगर। अगर मैं इनेबल कर दूंगा तो जो GPU होता है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स है उसके स्टेटस तीन तरह के हो सकते हैं, इनेबल, एक डिसेबल, एक नोड कन्फिगर। इनका मतलब, इनेबल का मतलब अप्लाई टू द टारगेट सेट, कि आपने इनेबल कर दिया है जो भी ये पॉलिसी है जिस टारगेट पे अप्लाई करेंगे उस पे ये अप्लाई हो जाएगी। डिसेबल का मतलब है ये उस पे अप्लाई पॉलिसी नहीं होगी। तो नोड कन्फिगर का क्या मतलब है, ये पॉलिसी आपने अभी तक डिफाइन ही नहीं की, जो भी क्लाइंट एंड का डिफॉल्ट बिहेवियर होगा वही चलेगा। तो यूजुअली ग्रुप पॉलिसी हमने इनेबल करनी होती है, इनेबल का मतलब है ये अप्लाई हो, तो बाय डिफॉल्ट वो नोड कन्फिगर होती है। ठीक हो गया ग्रुप पॉलिसी, ये स्टेटस आगे जाके दिखाता हूँ कि कहाँ पे शो होंगे हमारे पास। फिलहाल बता दें तीन स्टेटस होंगे, इनेबल का मतलब अप्लाई, डिसेबल का मतलब अप्लाई ना हो, नोड कन्फिगर का मतलब क्या है, जो भी क्लाइंट का डिफॉल्ट बिहेवियर है वही वहाँ पे चलेगा, आपने कोई सेटिंग सर्वर से डिफाइन नहीं की अभी जो क्लाइंट की तरफ पुश हो। अब GPIO के टू हेड्स हैं, GPIO ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है वो दो तरह से अप्लाई होता है दो जगहों पे। मतलब क्या क्या, टू हेड्स का मतलब क्या है, ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स आर ग्रुप अंडर टू हेड्स, मतलब यहाँ ये यूज़र अकाउंट पे अप्लाई होती है ग्रुप पॉलिसी, यहाँ ये कंप्यूटर अकाउंट पे अप्लाई होती है। यूज़र अकाउंट पे कब अप्लाई होती हैं, जब यूज़र लॉगिन करता है या लॉग ऑफ करता है, यूज़र ने लॉग ऑफ किया, लॉगिन किया, जैसे यूज़र लॉगिन करेगा ऑटोमेटिक इसका सेशन किसके पास जाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी के पास, वो एक्टिव डायरेक्टरी पे इस यूज़र के अगेंस्ट जो सी ग्रुप पॉलिसीज पड़ी होंगी वो उसके अकॉर्डिंग उस पर अप्लाई हो जाएंगी, यूज़र के लॉगिन करने पे, लॉग ऑफ करने पे। और कंप्यूटर पे कब अप्लाई होती है, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग बूट प्रोसेस, बूट प्रोसेस के बाद जैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क पे आता है और कंप्यूटर पे अप्लाई होने वाली पॉलिसीज तब उसके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। अगर यूज़र अकाउंट पे कॉन्फ़िगर किया है, लॉगिन लॉग ऑफ पे कंप्यूटर अकाउंट पे अगर कॉन्फ़िगर किए हैं तो ड्यूरिंग बूट प्रोसेस के बाद जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है वैसे ही, यानी कि कंप्यूटर स्टार्टअप पे होती हैं, ये याद रखनी। कंप्यूटर पे कब होगी, कंप्यूटर स्टार्टअप पे, यूज़र पे, यूज़र लॉगिन लॉग इन पे। अब आगे आते हैं ग्रुप पॉलिसी असाइंड कंटेनर। अब पहले लोकल ग्रुप पॉलिसी में बताया था एक ही ग्रुप पॉलिसी बनी होती है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बेसिकली GPIO है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर वही यूज़र सेटिंग्स और कंप्यूटर सेटिंग्स होती है। आप मल्टीपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं,
ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में, लेकिन लोकल जब हमने पढ़ा था, यहाँ पे जाता हूँ मैं, इस मशीन पे आता हूँ, मैं जीपी एडिट करता हूँ, इस टाइम ये लोकल ग्रुप पॉलिसी को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो इस टाइम लोकली बाय डिफॉल्ट जो होता है वो एक ही ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट आपके पास होता है। ये जो ओपन हुआ आपके पास लोकल कंप्यूटर पॉलिसी, ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये जितनी की पूरी विंडो है ये, इसे कहते हैं ये एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पॉलिसीज आप डिफाइन करेंगे। तो एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर पे अप्लाई करेंगे वो कंप्यूटर पे अप्लाई होंगी सेटिंग, यूज़र पे करेंगे तो वो यूज़र पे अप्लाई होंगी। कंप्यूटर पे अप्लाई करने का मतलब ये सेटिंग सारे यूज़र्स पे अप्लाई होंगी, उस कंप्यूटर के ऊपर जो मर्जी यूज़र लॉगिन कर दे वो उसको ये उसके ऊपर ये वाली पॉलिसीज जाके अप्लाई होंगी, जबकि यूज़र वाली स्पेसिफिक यूज़र तक होंगी। तो ये एक जीपीयू है, जबकि एक्टिव डायरेक्टरी में मैं मल्टीपल इस तरह की ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, लोकली एक ही होता है बाई डिफ़ॉल्ट। तो एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो हैं वो तीन लेवल्स पे डिफाइन किए जा सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऐसा नहीं किया जा सकता कि ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बना हुआ है यूज़र पे अप्लाई है, ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एक कंप्यूटर पे अप्लाई है या एक ग्रुप के साथ बाइंड है, ऐसा नहीं होता। एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप पॉलिसी, अभी ये लैब करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, अभी मेरी थ्योरी सुनते जाओ आप, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी में तीन जगह पे जाके अप्लाई होते हैं, यानी कि इन तीन लोकेशंस के साथ, इन तीन जगहों के साथ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को आप बाइंड कर सकते हैं। OU के साथ लाइक मार्केटिंग है, मार्केटिंग के जितने, मार्केटिंग OU के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने यूजर्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, ये पॉलिसीज उनके ऊपर अप्लाई होंगी। आप एक GPO बनाते हैं वो OU के साथ बाइंड कर देते हैं, सेल्स के OU के साथ। अब क्या होगा, सेल्स के OU के अंदर जो के साथ जो GPO अटैच है, उस GPO के अंदर जितनी पॉलिसीज डिफाइन है वो सारी की सारी उस OU के ऊपर लगेंगी। अब GPO को एक आप OU लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, एक डोमेन लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन लेवल से मुराद किया टेक्निक्स डॉट लोकल, आप डोमेन एक GPO क्रिएट करते हैं, उसको बाइंड कर देते हैं टेक्निक्स डॉट लोकल डोमेन के साथ। इसका मतलब क्या है, टेक्निक्स डॉट लोकल के अंदर जितनी हायरार्की आ रही है सब के ऊपर वो पॉलिसी अप्लाई होगी, उसके अंदर जितने मर्जी OU आएँ सब पे वो पॉलिसी अप्लाई होंगी, जितने मर्जी यूज़र अकाउंट आएँ, जितने मर्जी कंप्यूटर्स आएँ या सिक्योरिटी ग्रुप्स आएँ, सब के ऊपर वो पॉलिसी आपकी अप्लाई होगी। डोमेन पे अप्लाई करने का मतलब क्या है, मैं GPO क्रिएट करता हूँ डोमेन के साथ बाइंड करता हूँ, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, पूरी की पूरी हायरार्की में जो उसके डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। GPO को बाइंड कर सकते हैं OU के साथ, OU के अंदर जितने यूज़र हैं ग्रुप है सब पे वो अप्लाई होगी। डोमेन के साथ बाइंड कर सकते हैं, डोमेन के अंदर जितने OU हैं यूज़र हैं ग्रुप्स हैं कंप्यूटर सब पे अप्लाई होगी। ये साइट है, साइट के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है साइट, साइट क्या चीज़ है। एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज पे हमारी अलग से एक या दो क्लासेस होंगी, फिलहाल इतना बता देता हूँ साइट बेसिकली है क्या। साइट बेसिकली रिप्रेजेंट करती है जियोग्राफिकल लोकेशन आपकी। फॉर एग्जांपल ये आपका US, ये आपका US ऑफिस है या पाकिस्तान ऑफिस है, ये आपका क्या है US ऑफिस, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ये पाक ऑफिस आ गया आपका US ऑफिस। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है ये आप, और ये जियोग्राफिकल लोकेशन बेसिकली क्या है, एक ही डोमेन है, लेकिन ये एक ही डोमेन में, एक ही डोमेन में इनको किस तरह कन्फिगर करना है, रिमोट साइट किस तरह कन्फिगर करनी है, ये बात की बात है। फिलहाल क्या ये एक ही डोमेन थी, इस डोमेन का नाम क्या था, टेक्निक्स डॉट लोकल। तो इस डोमेन के अंदर, एक डोमेन के अंदर मल्टीपल साइट्स भी हो सकती हैं, एक साइट रिप्रेजेंट करती है बेसिकली एक जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ये मेरी साइट वन है जिसका नाम है पाक ऑफिस, ये साइट टू है USA ऑफिस। तो ये इसका मतलब ये पूरी की पूरी साइट है ये, लेकिन साइट किसके अंदर है, इस डोमेन के अंदर है। तो आप ये कहते हैं कि जो ग्रुप पॉलिसी आप अप्लाई करेंगे वो पाकिस्तान ऑफिस के यूज़र्स के लिए है, USA के ऑफिस के यूज़र्स के लिए नहीं है। यहाँ पे आप कहते हैं कि जी USP पाकिस्तान ऑफिस में यूज़र लोग USB कनेक्ट करते हैं, सिस्टम पे वायरस आ रहा है, आप ग्रुप पॉलिसी कन्फिगर करते हैं उसको किसके साथ कन्फिगर कर देती हैं, साइट लिखा मैंने S पाकिस्तान ऑफिस वाली साइट के साथ। अब USB पाकिस्तान के अंदर जितने यूज़र्स हैं उन पर अप्लाई होगी, उन पर USB ब्लॉक हो जाएगी, जबकि USA वाले यूज़र USB प्लग करते हैं यहाँ पे मेरे सिस्टम के साथ, वो उसको इंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डोमेन लेवल पे लगा देंगे तो वो पॉलिसी इधर भी अप्लाई होगी, इधर भी अप्लाई होगी आपकी, तो USB ब्लॉक हो जाएगी आपकी USA ऑफिस के लिए भी, पाकिस्तान ऑफिस के लिए भी। तो अभी इतना समझ है, आपने ग्रुप पॉलिसी को पूरी साइट पर भी लगा सकते हैं, पूरी डोमेन पर भी लगा सकते हैं और पूरे OU के साथ भी लगा सकते हैं। डोमेन पे लगाएंगे उसका इंपैक्ट पूरी की पूरी डोमेन पे होगा, उस डोमेन के अंदर जितनी साइट्स आनी है, उस डोमेन के अंदर जितने OU आ रहे हैं, जितने यूज़र अकाउंट्स आ रहे हैं, कंप्यूटर अकाउंट्स आ रहे हैं, जितने सिक्योरिटी ग्रुप्स आ रहे हैं, वो सबके ऊपर अप्लाई होगी। जबकि वो OU के ऊपर लगाएंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उस OU के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, जब साइट के ऊपर लगाएंगे तो स्पेसिफिक साइट के अंदर जो भी पाकिस्तान साइट है उसका इंपैक्ट उस साइट के अंदर पड़े हुए वाली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगा।
तो बाय डिफॉल्ट जब एक साइट क्रिएट करते हैं उसका नाम होता है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। वो रीनेम कर सकते हैं, कैसे रीनेम करनी है एक्टिव एक्टिव साइट्स एंड सर्विसेज वाली लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही साइट है जिसका नाम के डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, बाय डिफॉल्ट उसका नेम होता है जब एक्टिव एक्टिव इंस्टॉल करते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी असाइंड कंटेनर क्या मतलब है, जीपीओ तीन चीज़ों के साथ बाइंड हो सकता है, साइट के साथ बाइंड होगा उसका इंपैक्ट पूरी की पूरी साइट पे होगा, डोमेन पे होगा उसका इंपैक्ट पूरी की पूरी डोमेन पे होगा। पूरी पूरी डोमेन का मतलब उसके अंदर जितनी हायरार्की आ रही है, जितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ओयू का मतलब उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ओयू के अंदर अगर सब ओयू है वो उस पर भी अप्लाई होगी। अभी लिखा है जीपीओ आर असाइन टू कंटेनर्स साइट्स डोमेन और ओयू, दे आर देन अप्लाई टू कंप्यूटर्स एंड यूजर्स इन दोज कंटेनर। क्या मतलब है कि जीपीओ अप्लाई होगा इन चीज़ों के ऊपर और इन कंटेनर्स के ऊपर, इन कंटेनर्स के अंदर क्या पड़े होंगे हमारे पास कंप्यूटर्स एंड यूजर अकाउंट्स, फिर उन पे अप्लाई होगा। जीपीओ कैन कंटेन बोथ कंप्यूटर्स एंड यूजर सेट ऑफ पॉलिसी, जीपीओ के अंदर कंप्यूटर क्या हो सकते हैं, हाँ जीपीओ के अंदर जीपीओ कैन कंटेन बोथ कंप्यूटर एंड यूजर सेट ऑफ पॉलिसी, जो जीपीओ डिफाइन करते हैं उसके अंदर कंप्यूटर पॉलिसीज भी डिफाइन कर सकते हैं, यूजर पॉलिसीज भी डिफाइन कर सकते हैं। द कंप्यूटर सेक्शन ऑफ ए जीपीओ इज अप्लाई ड्यूरिंग बूट, जब ड्यूरिंग बूट जब सिस्टम स्टार्ट होता है ड्यूरिंग स्टार्टअप कंप्यूटर की सेटिंग्स अप्लाई होती है। द यूजर सेशन ऑफ जीपीओ इज अप्लाइड एट यूजर लॉगिन, जैसे यूजर लॉगिन करता है तो आपकी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होती है। एक बात याद रखनी, अगर आपने नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसी बहुत ज्यादा डिफाइन की है, 500 ग्रुप पॉलिसी आपने डिफाइन कर दी पर यूजर के लिए, तो ड्यूरिंग बूट प्रोसेस ग्रुप पॉलिसी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा ग्रुप पॉलिसीज होगी यूजर का लॉगिन टाइम इंक्रीज करता चला जाएगा। आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जाएंगे, इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, अगर यूजर लॉगिन करता है और वो कहता है जी अप्लाइंग ग्रुप पॉलिसी सेटिंग, अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग्स, अप्लाइंग यूजर सेटिंग्स पे स्टक रहता है लॉगिन स्क्रीन पे, तो इसका मतलब है कि आपके ग्रुप पॉलिसीज बहुत ज़्यादा डिफाइन की गई हैं, कोई हैवी किस्म की ग्रुप पॉलिसी लगा दी हैं और बैकएंड पे वो अप्लाई हो रही है और इसलिए आपका यूजर का जो लॉगिन प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। तो आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा ऐसी कौन सी ग्रुप पॉलिसी है, कोई हैवी किस्म की स्क्रिप्ट आपने पीछे से एग्जीक्यूट करवा दी ड्यूरिंग बूट, ड्यूरिंग यूजर के ड्यूरिंग यूजर जब लॉगिन करें, तो आपको वो स्क्रिप्ट में देखना पड़ेगा इतना टाइम क्यों ले रही है जब यूजर लॉगिन करता है। तो अगर आपके सिस्टम में स्लो नेटवर्क पे स्लोनेस का इशू आ रहा हो, यूजर लॉगिन प्रोसेस स्लो हो रहा हो, यूजर लॉगिन करता है काफ़ी डिले आ रहा हो, तो आपको ग्रुप पॉलिसी के सेक्शन में जाकर देखना पड़ेगा कैसी कौन सी ग्रुप पॉलिसी है। ट्रबल शूटिंग का मेथड क्या, पहले उस स्पेसिफिक यूजर के ऊपर सारी की सारी ग्रुप पॉलिसी डिसेबल करें, फिर उसको लॉगिन करवा के देखें। अगर वो जल्दी से लॉगिन कर जाता है तो इसका मतलब है ग्रुप पॉलिसी के सेक्शन में कहीं ना कहीं पे मसला है। फिर ग्रुप पॉलिसी आपको देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी ग्रुप पॉलिसी है जो टाइम ले रही है, उसकी वजह से यूजर लेट लॉगिन करा। जितनी यूजर नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसी ज्यादा होगी यूजर का लॉगिन प्रोसेस भी आपका इंक्रीज करता चलेगा लॉगिन टाइम। अब चलते हैं आगे, जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट दो जीपीओ बने होते हैं हमारे पास, दो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बने होते हैं, एक डोमेन पे अप्लाई हुआ होता है और एक डोमेन कंट्रोलर पे अप्लाई हुआ होता है। बाय ये उनकी यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट दो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट मेरे पास बने हुए हैं जिनका नाम क्या है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोल पॉलिसी। और जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है ये पूरी की पूरी टेक्स्ट इंस्टॉल लोकल जो है उसके ऊपर अप्लाई हुआ होगा, जबकि डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी जो डोमेन कंट्रोलर वाला ओयू आ रहा होता है हमारे पास, जिसके अंदर आ रहा होता है कि आपके नेटवर्क में डोमेन के अंदर कितने डोमेन कंट्रोलर लगे हुए हैं, ये वाली पॉलिसी उस ओयू के ऊपर लगी हुई है। नीचे वाली पॉलिसी क्या है, ये पूरी डोमेन पे लगी होती है, ऊपर वाली पॉलिसी किसी ओयू पे लगी होती है। ये ऊपर वही वाली बात मैंने कहा कि ग्रुप पॉलिसी किन पे लगी होती है, आपकी साइट लेवल पे लगती है आपकी ग्रुप पॉलिसी। तो ग्रुप पॉलिसी मैंने बताया था ओयू पे लगती है, डोमेन पे या साइट पे। तो बाय डिफॉल्ट साइट पे कोई ग्रुप पॉलिसी नहीं लगी होती, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, आप लगा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट साइट लेवल पे कोई ग्रुप पॉलिसी नहीं लगी होती। जबकि क्या हुआ है, क्या चली गई है, ठीक है। तो डिफॉल्ट में दो होती हैं, एक ओयू लेवल पे लगी होती है, किस ओयू पे लगी होगी, डोमेन कंट्रोलर वाले ओयू पे, एक डोमेन पे लगी होगी, किस डोमेन पे, टेक्निंग रोल लोकल पे। नीचे फिर बात पर वही रिपीट बात कर रहा हूँ, जीपीओ कैन नॉट बी लिंक डायरेक्टली टू यूजर्स, के सेल्स अंडर को यूजर वन का एक यूजर आप कहते हैं जीपीओ पे अप्लाई हो, नहीं पॉसिबल। उमर आईफन पीसी वाले पीसी आप कहते हैं इस पे अप्लाई हो जीपीओ डायरेक्ट, इसके साथ बाइंड हो, तो इसके साथ डायरेक्ट बाइंड नहीं हो सकता। तो जीपीओ किन के साथ बाइंड होगा, इनके साथ, इनके अंडर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे जीपीओ ऑटोमेटिक प्रोपोगेट करता जाएगा उसकी सेटिंग उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अब लेफसी जो मैंने करवाई थी लोकल ग्रुप पॉलिसी जब पढ़ाई थी, तो ये सारी की सारी जो लेब्स हैं हम डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब इनमें से कोई सी एक सेटिंग पकड़ लेते हैं, लाइक हाइड कंट्रोल पैनल या कंट्रोल पैनल को रिस्ट्रिक्ट करना, वो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू किस तरह होगा वो करके देखते हैं। लोकली तो आपको पता है अप्लाई करते हैं उसी टाइम में सेटिंग,
जीपी अपडेट करते हैं वहाँ पे अप्लाई हो जाती है, यूजर लॉग इन लॉग ऑफ करेगा तब आपकी सेटिंग से अप्लाई होगी। तो इसके लिए मैं डोमेन कंट्रोलर पे आता हूँ, डोमेन कंट्रोलर वाली मशीन को यहाँ से आरटीपी कर लेते हैं। सेशन हमारे पास आ गया डोमेन कंट्रोलर का, तो ग्रुप पॉलिसी यहां पे मैंने ओपन की हुई, इसको मैं सारा कैंसिल कर रहा हूं, आपको दिखा दूं ग्रुप पॉलिसी को किस तरह करना है स्टार्ट। तो इसी तरह स्टार्ट में जाके सर्च करें gpid.msc लिखते हैं या ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन कर ले इसकी कंसोल, इसे कहते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की कंसोल है ये, जो बेसिकली चीज आती है कंसोल है। कंसोल किस चीज की है? ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की। अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, आपके पास बाय डिफॉल्ट मैंने बताया दो पॉलिसीज क्रिएट होती है, एक डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी ऐसे कहते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, एक पूरा का पूरा जीपीओ है, एक जीपीओ पूरी डोमेन के साथ बाइंड है बाय डिफॉल्ट है, और एक जीपीओ मैंने बताया था डोमेन कंट्रोलर वाले ओयो के साथ अटैच है। तो एक डोमेन के अंडर आ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरी की पूरी डोमेन के पे, मतलब इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एचआर का एचआर है, मार्केटिंग सेल्स, और सेल्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ओयोज के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सब ओयोज हैं, डोमेन का जितनी पॉलिसी लगी उसका इंपैक्ट क्या होगा पूरे के पूरे नीचे पूरी की पूरी डाउनवर्ड हायरार्की के ऊपर। अब डोमेन कंट्रोलर ओयू के ऊपर लगी, इसका मतलब इस पॉलिसी का इंपैक्ट किस पे होगा, स्पेसिफिक डोमेन कंट्रोलर के ओयू के ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी डिफाइन है, कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ पॉलिसीज लगी होती हैं, वो कौन कौन सी पॉलिसीज लगी हुई हैं, लाइक डोमेन की पॉलिसी। अब सेटिंग्स में जाते हैं, अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, बेसिकली यहाँ पे जो सेटिंग्स मुझे व्यू करवाता है बेसिकली HTML पेज है बैकएंड पे, मुझे वो ब्राउजर के अंदर ही ओपन करके दिखा रहा है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो ये आपके पास वेब पेज बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट सर्वर OS के अंदर ऊपर अंदर हाई होती है, इसका मतलब जब भी इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर आप कोई सेटिंग ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आएगा, इसका मतलब वो कहता है कि ये साइट ट्रस्ट नहीं, इसको ट्रस्टेड साइट में ऐड करें, ठीक है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो साइट आपकी ट्रस्टेड साइट में ऐड होगी वो उसको वहाँ यहाँ पे ओपन करेगा, या ऐड कर दें। मैं फिलहाल की सेटिंग्स को ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली देखिए पीछे जो सेटिंग्स ऑन हुई है आपके सामने ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर ऑन हुई है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की वो सेटिंग का मसला था, वहाँ से जाके उसको मैंने IE इंटरनेट एक्सप्लोरर IE इनहांस सिक्योरिटी की सेटिंग्स होती हैं उसको मैं फिलहाल डिसेबल करवा देता हूँ। तो आपको अगर जब भी ये पॉपअप शुरू आए कहीं पर नज़र आए तो IE की सेटिंग्स को आपने यहाँ से डिसेबल कर देना, IE इनहांस सिक्योरिटी ये अननोन अभी, ये इस टाइम सेटिंग्स लोड हो रही हैं आपके सामने। हर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, सर्वर 2008 में भी है, प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाए सर्वर 2003 वहाँ में भी है। IE इनहांस सिक्योरिटी ऑन है यहाँ पर, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तब मेरे पास वो इशू नहीं आएगा, नहीं तो जब भी मैंने ग्रुप पॉलिसी को इसमें ओपन करना था मुझे इस पॉपअप ने तंग करना शुरू हो जाना था, तो सेटिंग मैंने डिसेबल ही कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट देखिए ये पॉलिसीज आपके पास अप्लाई हैं, बाय डिफॉल्ट ये वाली पॉलिसीज कन्फिगर है, ये कन्फिगर पॉलिसीज आ रही हैं यहाँ पे कि अकाउंट पॉलिसी में जाके पासवर्ड पॉलिसी है, ठीक है, कैलब्रोज पॉलिसी है, नेटवर्क एक्सेस है, इसके अलावा मजीद नीचे रहेंगे आपके पास कुछ ग्रुप पॉलिसीज प्री डिफाइंड आ रही है। अब इस ग्रुप पॉलिसी को ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, इसी तरह डोमेन कंट्रोलर को भी जाके इसको मैं बंद करके करूँगा तो वो पॉपअप जाएगा यहाँ से। तो देखिए डोमेन कंट्रोलर में भी ग्रुप पॉलिसीज डिफाइन है, आप यहाँ से देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसीज कौन कौन सी लगी हुई हैं। तो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पर मैं आता हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी सेटिंग्स लोकल सेटिंग की, देखिए कुछ ग्रुप पॉलिसीज लगी हैं। ग्रुप पॉलिसी क्या है, बाय डिफॉल्ट एक ऐसी पॉलिसी लगी हुई है, वो क्या करती है इन फोर पासवर्ड हिस्ट्री के 24 पासवर्ड हिस्ट्री रिमेंबर, यानी कि एक बंदे ने एक पासवर्ड सेट किया उसके बाद वो पासवर्ड चेंज करता है, वो दोबारा से पुराने वाला पासवर्ड रखना चाहता है तो वो नहीं रख सकता जब तक कि वो 24 पासवर्ड क्या है दे के अपना फिर सबसे पहले वाला पासवर्ड 25वीं दफ़ा जब जाके वो करे लगाएगा तब अपना पुराना पहला वाला पासवर्ड रखता है, यानी कि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी में कोई यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करता है तो एक्टिव डायरेक्टरी उसके 24 पासवर्ड को रिमेंबर करती है, क्यों कि यूज़र पासवर्ड को री यूज़ ना कर सके,
यूजर ने पहले एक पासवर्ड लगाया, यूजर पासवर्ड ई सेट करके कोई और पासवर्ड रख लेता है, लाइक पहले ABC123 था, बाद में वो कर लेता है जी XYZ123, अगली दफ़ा फिर वो चेंज करके ABC123 रखता है, तो वो नहीं रख सकता। क्यों? एक्टिव डायरेक्टरी में पॉलिसी लगी हुई है 24 पासवर्ड इस तरह मेंबर करने हैं। अगर आप कम करना चाहें इसको कम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मैक्सिमम एज क्या आ रही है 42 डेज, यानी कि 42 डेज तक आप एक पासवर्ड मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। मिनिमम पासवर्ड एज क्या 1 डे, इसका मतलब एक यूज़र ने पासवर्ड अपना सेट किया, रीसेट किया, तो वो अपना पासवर्ड दोबारा रीसेट नहीं कर सकता, एक दिन के बाद कर सकता है। तो मिनिमम पासवर्ड एज क्या है 1। तो मिनिमम पासवर्ड लेंथ किया 7 करेक्टर, 7 करेक्टर से कम का पासवर्ड आप सेट नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट लगी हुई है। मैंने बताया था ना एक्टिव डायरेक्टरी में मैं 1, 2, 3 पासवर्ड रखना चाहूँ नहीं रख सकता, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटीज पे इनेबल होती है। तो नीचे पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आ रहा था, कैपिटल स्मॉल लेटर आपके पास हो, न्यूमेरिक कीज़, तो तब आप पासवर्ड को वो वाला पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट में पॉलिसी लगी हुई है, इस पॉलिसी को हम चेंज भी कर सकते हैं। लाइक कंपनी चाहती है कि भी 24 एक अच्छी खासी एक इशू है कि जी 24 पासवर्ड पहले एक्टिव डायरेक्टरी मेंबर करेगी, फिर बाद में बंदा जाके अपना पासवर्ड यूज़ कर सकता है। तो इसको आप अगर आप कम करना चाहे कम कर सकते हैं, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी आप कम करना चाहे कम कर सकते हैं, पासवर्ड लेंथ कम करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यूज़र ने भी पासवर्ड रीसेट किया दोबारा 1 मिनट बाद रीसेट करे, दोबारा रीसेट कर सकता है, तो इसको हम कर सकते हैं, सेटिंग को ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से। तो कैसे करनी है, राइट क्लिक करके इसको एडिट, ये बात याद रखनी है, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ डोमेन डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को। तो ये किस पे अप्लाई होगी, इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सब पे अप्लाई होगी। राइट क्लिक करके एडिट पे करें, तो ये देखिए मेरे सामने ये GPO ओपन हो गया, जैसे लोकल ग्रुप पॉलिसी में आता था, वही कंप्यूटर पॉलिसी और यूज़र पॉलिसी। मैं पॉलिसीज में आता हूँ, यहाँ पे विंडो सेटिंग में, सिक्योरिटी सेटिंग में, हाँ जी स्क्रीन स्टक है। तो अब हमने क्या करने लगे थे, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी थी हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, बेसिकली अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी को। तो इधर आ जाए, पॉलिसी कहाँ पे लगी हुई थी, सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर। तो इधर मैं सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाता हूँ, इधर क्या आ रहा है आपके पास, अकाउंट पॉलिसी। अकाउंट पॉलिसी के अंदर क्या आ रहा है, पासवर्ड पॉलिसी। अभी देखिए वही सेटिंग्स आ गई जो वो मुझे दिखा रहा था GPO की सेटिंग्स में जब मैं गया था। अब यहाँ पे कहते हैं 24 पासवर्ड ही मेंबर। तो आप चाहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, जब भी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करनी हो तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें फिर उसको अप्लाई करें। वो बताएगा कि इसकी मैक्सिमम लेंथ 24 कर सकते हैं, मिनिमम 0 कर सकते हैं, जो भी। तो डिफॉल्ट में क्या होगी, आप इस सारी की सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ें फिर यहाँ पे सेटिंग्स अप्लाई करें। की पासवर्ड हिस्ट्री, मैं कहता हूँ कि एक पासवर्ड, 1 पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 24 था वो यहाँ पे थी, मैक्सिमम 24 स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से उसने सिक्योरिटी हाई रखने के लिए 24 किया हुआ था। मैंने कहा कि यूज़र मैक्सिमम एक पासवर्ड अपना एक्टिव डायरेक्टरी का एक पासवर्ड ही मेंबर करे, लाइक यूज़र ने ABC लगाया, 123 लगाया, अगली दफ़ा पासवर्ड XYZ123 रख लेता है, तो अगली दफ़ा जब पासवर्ड ABC लगाएगा तो उसका वो लग जाएगा, ठीक हो गया, एक दफ़ा उसने रिमेंबर करना है उसको, इसको वन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पासवर्ड एज, पासवर्ड एक्सपायर कब हो, मैं कहता हूँ पासवर्ड फॉर एग्जांपल एक्सपायर हो हर 15 डेज के बाद, यहाँ पे दे देगा मिनिमम लेंथ किया है, मैक्सिमम लेंथ किया 998, मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ कि 998 बार पासवर्ड एक्सपायर हो, जीरो कर दूंगा तो फिर उसका क्या मतलब है, मिनिमम पासवर्ड ए कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 998। इट इज़ अ सिक्योर बेस्ट प्रैक्टिस टू हैव अ पासवर्ड एक्सपायर एवरी 30 to 90 डेज, कहता है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है, वो उसने बता दी। मैं कहता हूँ मैक्सिमम पासवर्ड एज के 15 डेज के बाद पासवर्ड यूज़र का एक्सपायर हो जाए। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र को लिखा है कि यूज़र पासवर्ड नेवर एक्सपायर, लाइक ये यूज़र यहाँ था सेल्स अंडरस्कोर यूजर्स की प्रॉपर्टीज़ में आके कह देते हैं अकाउंट में, यहाँ पे थी पासवर्ड नेवर एक्सपायर की ऑप्शन थी, तो फिर वो ये ग्रुप पॉलिसीज़ पे अप्लाई नहीं होगी, इस यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। ये उनके लिए होगा जिसका ऊपर पासवर्ड एक्सपायर का चेकबॉक्स अनचेक था। तो मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ क्या थी, यहाँ पे 7 थी। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ मिनिमम पासवर्ड लेंथ में कह देता हूँ 3 है, और आप सिक्योरिटी टाइट करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास लैब इन्वायरमेंट है, हम चाहते हैं 1, 2, 3 पासवर्ड भी रखे तो वो मेरा वर्क कर जाए एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, वो एक्सेप्टेबल हो, तो उसके लिए मैं अभी 3 कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में यूजली इसको स्ट्रॉन्ग ही रखा रहता है। तो पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी, कैपिटल स्मॉल लेटर वगैरह न्यूमेरिक कीज़ यूज़ हों, कहते पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लैब इन्वायरमेंट में मैं इसको डिसेबल करूँ ताकि हर दफ़ा जब यूज़र क्रिएट करें मैं 1, 2, 3 पासवर्ड रख के यूज़ कर सकूँ उसको। तो पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी मैंने डिसेबल कर दी है। तो नीचे ये आ रहा है स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इनक्रिप्शन,
तो इसको बेसिकली इसको बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही रहना चाहिए, ये डिसेबल ही होनी चाहिए। ये बेसिकली ये होता है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि अगर पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में आप यूज सम टाइम होता है ना, कोई कोई एप्लीकेशन है उसने एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऑथेंटिकेट करना है और वो पासवर्ड अपने पास स्टोर करके रख लेती है, तो स्टोर करती है वो अपने पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करके रखती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन अपने पास पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में सेव करके रखे, तो ये अच्छा मेथड भी नहीं है कि एक एप्लीकेशन ने एक्टिव डायरेक्टरी का जो यूज़र अपना पासवर्ड अपने पास पासवर्ड का प्लेन टेक्स्ट में सेव करके रखा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसका डिसेबल होना ही ज़्यादा सिक्योर है, इसको डिसेबल ही रहने देना, इसको इनेबल नहीं करना। ठीक हो गया, तो ये ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होगी हमारे पास यहाँ पे, और ये पूरी डोमेन पे अप्लाई हुई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यूज़र क्रिएट करेंगे और उसका पासवर्ड 123 रखेंगे और देखेंगे ग्रुप पॉलिसी में हमारी वर्क करती है कि नहीं करे। ग्रुप पॉलिसी के लिए मैंने क्या कहा था, अगर कंप्यूटर पे लगे, जाहिर सी बात है कंप्यूटर पे लगी है तो इसका क्या होगा, कंप्यूटर को मैं रिस्टार्ट करूँ, यूज़र पे लगी है तो यूज़र को लॉग ऑन करके लॉग ऑफ करूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं फोर्सफुली करें, फोर्सफुली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़र लॉग इन लॉग ऑफ भी नहीं करते, मशीन को रिस्टार्ट भी नहीं करते, तो बाई डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी में रिफ्रेश इंटरवल होता है 90 मिनट्स का फॉर यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, फॉर डोमेन कंट्रोलर 5 मिनट्स का होता है। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं करते तो हर 5 मिनट के बाद डोमेन कंट्रोलर पर पॉलिसी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, डोमेन कंट्रोलर ऑटोमेटिक एक्टिव डायरेक्टरी से अपडेट लेके अब उसके बाद जाके ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा। लेकिन अगर दूसरे यूजर्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, वो 90 मिनट्स के बाद जाते हैं अपडेट्स लेने बाय डिफ़ॉल्ट, ये इनका बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर है, कन्फिगरेबल है, चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, GP अपडेट स्लैश फोर्स, ताकि मेरे डोमेन कंट्रोलर पे पॉलिसी फ़ौरन अप्लाई हो जाए, और डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जब मैं यूज़र अकाउंट बनाऊँ तो वो 123 पासवर्ड के साथ बन सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र्स में आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र्स में सेल्स के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ टेस्ट यूज़र वन, टेस्ट यूज़र वन पासवर्ड मैं देता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे मैं पहले स्मॉल पासवर्ड नहीं दे सकते थे, वहाँ पे मैंने लेंथ कितनी कर दी थी, 3 कर दी थी आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे अभी तक 41 डेज क्यों आ रहे हैं, ये रिफ्रेश नहीं किया हमने। हाँ तो ये देखिए, यहाँ पे ये रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 3 करेक्टर आ गया, जो पॉलिसी मैंने चेंज की थी वो यहाँ पे अपडेट हो गई है। तो पासवर्ड 123 करके यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो ये देखिए यूज़र अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया, इसका मतलब मेरी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। इसके अलावा ये भी कन्फिगर कर सकते हैं, मैं एडिट में जाता हूँ कि एक यूज़र 3 दफ़ा पासवर्ड गलत देता है तो उसके बाद उसका यूज़र अकाउंट अगले 15 मिनट के लिए, नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए लॉक हो गया। ये सेटिंग्स भी डिफाइन कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से, अगर कोई पासवर्ड की अटैम्प्ट ज़्यादा करता है तो उसका अकाउंट लॉक कर दो, कितनी देर के लिए वो टाइमर डिफाइन कर देते हैं। उसके लिए सेम इसी तरह पॉलिसीज में आगे विंडो सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, तो ये जब भी ग्रुप पॉलिसी बता रहा हूँ, ये हर इन्वायरमेंट में जहाँ पे जाएंगे नया डोमेन कंट्रोलर लगाएंगे पॉलिसीज आपको वहाँ पे कन्फिगर करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अकाउंट पॉलिसी में आगे अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी यहाँ पे आ रहा है कि अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशहोल्ड, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशहोल्ड डिफाइन करते हैं कि कितनी अटैम्प्ट के बाद यूज़र का अकाउंट है वो लॉक हो जाए। मैं कहता हूँ कि यूज़र 3 अटैम्प्ट करता है, 3 अटैम्प्ट के बाद अकाउंट विल लॉक आउट आफ्टर 3 अटैम्प्ट, 3 इनवैलिड लोगों ने अटैम्प्ट, नीचे आ रहा है कि 3 इनवैलिड लोगों ने अटैम्प्ट, 3 दफ़ा गलत पासवर्ड देता है उसका अकाउंट क्या हो, डिसेबल हो जाए। तो ऑटोमेटिक वो कहता है कितनी देर के लिए होगा, उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे कह रहा है कि सुजेस्टेड 30 मिनट्स है, और अगर काउंटर रीसेट करना है वो कितनी देर के बाद रीसेट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन 30 मिनट सेट हो गया, कन्फिगर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए उसका यूज़र अकाउंट लॉक रहेगा, ओके कर दिए इसको। अब रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स का मतलब क्या है, 15 मिनट गुजरेंगे उसके बाद उसका काउंटर अकाउंट ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट ऑटोमेटिक इनेबल होगा तो उसका काउंटर भी रीसेट हो जाएगा, जाहिर सी बात है काउंटर रीसेट होगा तो जो 1, 2, 3 दफ़ा पासवर्ड आपने गलत दिया था वो फॉरगेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो वो दोबारा से काउंटर स्टार्ट करना शुरू करेगा 1, 2, 3, अच्छा आपकी 3 दफ़ा गलत दिया, तो काउंटर रीसेट भी क्या होगा आपका 15 मिनट्स के बाद ही। तो अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन 15 मिनट के लिए क्या लगेगा, लॉक लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक यूज़र लॉग इन कर सकता है और उसके बाद काउंटर भी रीसेट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो उसने 3 दफ़ा इनवैलिड अपने पास सेव किया हुआ है ना, तो उसको फॉरगेट करवाना पड़ेगा यहाँ से, 15 मिनट के बाद अकाउंट काउंटर रीसेट हो उसके बाद अकाउंट क्या हो इनेबल हो। तो उसके अलावा ये भी एक ऑप्शन इसके अंदर आप आती है अकाउंट लॉक और ड्यूरेशन के अंदर, आप यहाँ पे आके सेटिंग देखेंगे, बताते हैं आपको कि अगर आप ये यहाँ पे 0 सेट कर दें
तो जब भी अकाउंट ड्यूरेशन लो ए अकाउंट लॉक होगा तो जब तक वो तब तक नहीं इनेबल होगा जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैनुअली नहीं कर देगा। ये लिखा है द अवेलेबल रेंज फ्रॉम 0 मिनट्स टू इतने मिनट्स तक, इफ यू सेट द अकाउंट लॉक आउट ड्यूरेशन इज 0 द अकाउंट विल बी लॉक्ड आउट अंटिल एन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सप्लिसिटली अनलॉक्स इट। तो यहाँ पे अगर आप 0 कर देते हैं इसका मतलब अगर यूजर ने 3 अटेम्प्ट्स की उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक इनेबल नहीं होगा। वो कौन इनेबल करेगा? आपको हेल्प डेस्क पे कॉल आएगी, आप एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली एक्टिव डायरेक्टरी में जाके यहाँ पे एक्टिवेट यूजर कंप्यूटर पे जाके लाइक टेस्ट यूजर वन था राइट क्लिक करके इसके ऊपर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास अकाउंट अनलॉक की ऑप्शन आ रही होती है आपके पास। कहाँ गई? प्रॉपर्टीज में चले जाएं जहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है अकाउंट अनलॉक कर दो इसका। अकाउंट यहाँ पे आ रहा है अनलॉक अकाउंट, अनलॉक अकाउंट पे करके इसको अप्लाई कर दें। तो आपको मैनुअली भी बहुत ज़्यादा सिक्योर आपने करना है तो आपके कि जब भी यूजर गलत पासवर्ड दे 3 दफ़ा से ज़्यादा तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे करना पड़े आके मैनुअली। तो मैं फिलहाल इसको क्या करूँ 15 मिनट्स कर रहा हूँ यहाँ पे 3 इनवैलिड अटेम्प्ट्स। तो मैं ग्रुप बाई डिफा ग्रुप डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन कंट्रोलर पे ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है। बेसिकली हम डोमेन पे अप्लाई करें, डोमेन के अंदर डोमेन कंट्रोलर भी आ रहा है तो उस पर भी अप्लाई होगी। तो जीपी अपडेट मैनुअली फोर्स करूँ, अदरवाइज 5 मिनट के बाद डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ऑटोमेटिक अपडेट हो जानी थी। तो ग्रुप पॉलिसी के ऊपर अप्लाई हो गई। अब मैं क्या करता हूँ एक यूज़र से लॉगिन करता हूँ, 3 गलत अटेम्प्ट्स वहाँ पे करता हूँ, देखते हैं मेरा अकाउंट लॉक होता है कि नहीं। तो ये मैं क्लाइंट मशीन पे आ गया अपनी। तो मैं अपनी क्लाइंट मशीन पे आ गया, सेल्स अंडर को यूज़र 2 है। मैं 3 दफ़ा इसका पासवर्ड टाइप करूँगा और रॉन्ग पासवर्ड टाइप करूँगा, देखता हूँ मेरा अकाउंट लॉक होता है कि नहीं। तो पासवर्ड इनकोरेक्ट है 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट हो गई, चौथी अटैम्प्ट पे देखिए वो क्या कहता है। पहले कहता था पासवर्ड इनकोरेक्ट, अब क्या कहता है द रेफरेंस अकाउंट इज़ करंटली लॉकड आउट एंड मे नॉट बी लॉक डाउन। क्या हुआ? अकाउंट लॉक हो गया। क्यों? हमने पॉलिसी लगाई हुई थी। अब ये 15 मिनट्स के बाद क्या होगा? 15 मिनट्स के बाद यूज़र इसके ऊपर लॉगिन करेगा तो इसका लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो पॉलिसी आपकी जी जी क्या पासवर्ड दें? ठीक पासवर्ड, हाँ ठीक पासवर्ड दोगे तब भी नहीं होगा। ये लो मैं इसका ठीक पासवर्ड टाइप कर देता हूँ क्योंकि अब तो पासवर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन भी नहीं आ रही। अब आप ठीक पासवर्ड भी दे देंगे अभी भी वही मैसेज आएगा। हैकर ने पहले ट्राई की, जो भी अनवांटेड यूज़र था आप चाहते नहीं थे, ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं था आप चाहते नहीं थे वो लॉगिन करे, जाहिर सी बात है पहले अटैम्प्ट करेगा, 3 अटैम्प्ट करता उसके बाद वो पासवर्ड सही भी टाइप कर देगा तो यही मैसेज आएगा। गलत पासवर्ड टाइप करे सही पासवर्ड टाइप करे अब आपके पास यही ऑप्शन आएगी अकाउंट लॉक किया है। अब क्या होगा ये 15 मिनट के बाद ग्रुप पॉलिसी 15 मिनट्स की लगी है, 15 मिनट्स के बाद ये यूज़र लॉगिन कर सकता है। लेकिन आप इसको अगर अनलॉक करना चाहें अनलॉक करके देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में गए अकाउंट में गए मैं इसको कहता हूँ अनलॉक कर दो, अनलॉक करके ओके किया। अब जाके देखते हैं क्योंकि अब मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर ने ही कर दिया है तो अभी देखते हैं ये लॉगिन होता है कि नहीं। क्या वह नहीं, नहीं अभी भी नहीं, अभी भी नहीं गए, 15 मिनट्स के बाद ही करेगा क्योंकि ग्रुप पॉलिसी लगी है। बेसिकली इसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी अप्लाई है, जीपी अपडेट तो मैंने करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीपी अपडेट मैंने ग्रुप पॉलिसी को चेंज ही नहीं किया, ये ग्रुप पॉलिसी के थ्रू लॉक हुआ इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर भी करेगा तो ये नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अब ग्रुप पॉलिसी 15 मिनट खत्म होंगे तब ये लॉगिन कर सकता है। हाँ अगर वहाँ पे मैंने 0 किया होता तो तब यहाँ पे आके मैं इसको अनलॉक करता तो इसने अनलॉक हो जाना था। ठीक है, अगर यूज़र रिक्वेस्ट करे इसको कि यार 15 मिनट वेट करो, तुम्हारा 15 मिनट के बाद अकाउंट ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा और 15 मिनट के दौरान तुमने पासवर्ड की अटैम्प्ट नहीं करनी। क्यों? वो तो काउंटर वहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर 15 मिनट वो उसे को पासवर्ड नहीं टाइप करना, 15 मिनट के बाद काउंटर दोबारा से रीसेट होगा क्योंकि 15 मिनट के बाद दोबारा करता जाएगा पासवर्ड की अटैम्प्ट तो उसका टाइम भी इंक्रीज करता चला जाएगा। ये थी डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी पासवर्ड की।
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब थोड़ी सी देख लेते हैं सेटिंग के कंट्रोल पैनल को किस तरह डिसेबल करना है। बिल्कुल उसी तरह जैसा लोकल ग्रुप पॉलिसी में करना था। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि OU लेवल पे भी मैं लगा सकता हूँ। फिलहाल मेरी चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, हर एडमिनिस्ट्रेटर वो गलती करते हैं, मैंने भी की थी, वो बताता हूँ क्या गलती। बेसिकली मैंने गलती दिखानी है, मैं कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक किया, एडिट में गया, मैं पॉलिसीज में चला गया यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स कंट्रोल पैनल में चाहता हूँ। कंट्रोल पैनल को प्रीवेंट कर दो, कंट्रोल पैनल पे एक्सेस ख़त्म कर दो, ओके किया, इनेबल किया, जो भी इसकी सेटिंग्स है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जाके कमेंट्स देने, कमेंट्स यहाँ पे आप डिफाइन कर दे कोई, देखें वो चीज़ें आ रही जो मैंने बताया था, इनेबल करने से क्या होगा, डिसेबल करने से क्या होगा, नोट कन्फिगर करने से क्या होगा। डिसेबल का मतलब क्या है, एक ग्रुप पॉलिसी अप्लाई ना हो। इनेबल का मतलब क्या है, ये ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो। नोट कन्फिगर का मतलब क्या है, इसकी कोई सेटिंग आपने डिफाइन नहीं की, जो भी क्लाइंट एंड पे डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो उस पे अप्लाई हो रही होंगी। तो समटाइम ऐसे भी होता है कोई ग्रुप पॉलिसी ऐसी है उसको आप डिसेबल करेंगे तो वो वहाँ पे अप्लाई होगी। तो फिलहाल इस ग्रुप पॉलिसी पढ़ने से पता लगेगा आपको, ये बेसिकली इसकी ये सेटिंग क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन करने से पता लगेगा आपको। उसको इनेबल करेंगे वहाँ पे वो एक्सेस होगी, एप्लीकेबल होगी वो, या डिसेबल करने से, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है। इसको प्रीवेंट करो एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग, प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल पीसी सेटिंग्स, इसका मतलब डिनाई करो कंट्रोल पैनल पे एक्सेस। तो देखने से पता लग रहा है डिनाई करना, तो मुझे इनेबल करूँगा तो डिनाई होगा, ठीक हो गया। इसको मैंने ओके कर दिया यहाँ पे, ओके हो गया। अब मैं क्लाइंट मशीन पे आता हूँ, यहाँ पे सेज अंडरस्कोर यूज़र से मैं लॉगिन करता हूँ। ये तो लॉग टाइम मेरा 15 मिनट्स के बाद होगा, तो मैं क्या करता हूँ किसी दूसरे यूज़र से लॉगिन कर देता हूँ। लाइक सेल्स अंडरस्कोर यूज़र वन है, तो इसे जाके देखते हैं इसका कंट्रोल पैनल ये ओपन कर पाता है कि नहीं। तो कंट्रोल पैनल देखे, जैसे यूज़र ने लॉगिन किया, मुझे जीपी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यूज़र ने जैसे लॉगिन किया उसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये किसके लिए अप्लाई हुई है। एक स्टैंडर्ड यूज़र जो एक्टिव डायरेक्टरी का स्टैंडर्ड यूज़र था, जो आपने क्रिएट किया था एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में सेल्स के OU के अंदर जो पड़ा हुआ है, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है मैं दिखाना चाहता हूँ। सेल्स का OU उसके अंदर ये पड़ा हुआ है सेल्स अंडरस्कोर यूज़र वन। पॉलिसी किस पे अप्लाई की थी आपने, डोमेन पे। जब डोमेन पे अप्लाई की तो सेल्स का OU उसके अंडर आ रहा था, तो उसके अंडर सेल्स अंडरस्कोर यूज़र वन, तो उसके ऊपर ये अप्लाई होगी। अब एक चीज़ मैंने देखनी, और बिल्कुल अप्लाई होनी चाहिए थी। मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ यहाँ पे, अब मैं इस पे लॉगिन करता हूँ डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से। दिखाता हूँ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से मैं गया, लोकल वाला भी मैं बताता हूँ अभी, ये चीज़ समझ लो भी आप। इसका पासवर्ड, अच्छा मैं वो लोकल से लॉगिन कर रहा हूँ ना, आगे मैंने वो डोमेन नेम नहीं ऐड किया। बाइटफाई जब एडमिनिस्ट्रेटर लिखे तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ही उठा रहा होता है आपका। अब इधर भी अगर मैं 3 दफ़ा गलत पासवर्ड अटैम्प्ट कर दूंगा तो ये मेरा अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो भाई एडमिनिस्ट्रेटर से आपने लॉगिन किया, हालांकि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है ये, आके कंट्रोल पैनल ओपन करेगा। इस पर क्यों नहीं अप्लाई हुई, मैं दिखाना चाहता था। ये बेसिकली एक सेटिंग डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। क्योंकि अभी पॉलिसी मैंने किस पे लगाई है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ पॉलिसी किस पे अप्लाई की है हमने, डोमेन के ऊपर। और जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहाँ पे आ रहा है, इस यूजर्स वाले OU के अंदर। तो ये डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए हमारी। ये बेसिकली इशू आ रहा है, देखो मैंने जीपी अपडेट किया यहाँ पे मुझे एरर आ गया। इसको ट्रबल शूट करने वाले प्रोसेसिंग ग्रुप पॉलिसी विंडो को नॉट रिजॉल्व द यूजर नेम दिस इज, साइन आउट करते हैं इसको। अभी इसका इशू आ रहा है कोई ग्रुप पॉलिसी
ऐसा भी होता है कि ग्रुप पॉलिसी अप्लाई नहीं हो रही, जैसे मैंने ग्रुप पॉलिसी अपडेट की है वहाँ पे मुझे एरर आया। इसका पासवर्ड एक्सपायर है। ठीक है, मैंने पासवर्ड भी इसका क्या कर दिए 123, क्योंकि पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी मैंने वहां से बंद कर दी थी। ठीक है, इसलिए मैंने सिंपल पासवर्ड अब यहाँ पे टाइप किया। तो ग्रुप पॉलिसी देखें अब अप्लाई हो चुकी हैं। अब क्या इसका इशू क्या आया, बेसिकली डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर सकते। कंट्रोल पैनल पे गए, डोमेन कंट्रोल साहब डोमेन कंट्रोलर कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्या मतलब हुआ, क्या आपने अपने हाथ खुद ही बांध लिए, अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। तो जब भी एक चीज़ मेरा बताने का मकसद यही था, जब भी डोमेन लेवल पर पॉलिसी लगानी है तो ये बात समझिए कि उसकी उसका इम्पैक्ट डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी होगा आपका। तो ग्रुप पॉलिसी जब भी लगाएं सोच समझ के लगाएं, डोमेन लेवल पे सोच समझ के लगानी है। ऐसा ना अपने हाथ पांव खुद बांध ले, पता लगे आपने स्पेसिफिक प्रोग्राम अलाउ कर दिए हैं तो उसके अंदर जीपी निकाल सकते हैं। वो बात की बात है, निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। इसको कल बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं, पॉसिबल है बिल्कुल। लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपने अप्लाई की और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर पे भी अप्लाई हुई। बेहतर तरीका क्या था, आप डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे जाएं और ग्रुप पॉलिसी इस किस्म की ग्रुप पॉलिसी डोमेन लेवल पे ना लगाएं, आप डिपार्टमेंट वाइज लगाएं, आप ओयू लेवल पे लगाएं। लाइक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब सेल्स एंड मार्केटिंग, आप एक ओयू लगाएं सेल्स के यूजर के, ओयू को बाइंड जीपीओ को बाइंड करें सेल्स के साथ। बेनिफिट क्या होगा, सेल्स के अंडर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे ये ग्रुप पॉलिसी उस पर अप्लाई होगी, इसको अभी देखते हैं। दूसरा मैं तरीका क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे लोकल की बात कर रहे थे आप, मैं साइन आउट कर रहा हूँ, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ने किया तो उस पर पॉलिसी अप्लाई होगी। मैं यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करता हूँ। इसका पासवर्ड क्या था, ठीक है, इस टाइम लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से हो गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से देखते हैं जाके क्या इंपैक्ट है। कंट्रोल पैनल में जाते हैं आप, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओपन कर सकते हैं, क्यों, जबकि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लॉगिन कर सकता। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर तो उस मशीन पे पड़ा हुआ है ना, इस पे थोड़ी इंपैक्ट होगा उसका। आपने कहाँ पे ब्लॉक किया है, डोमेन पे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जब ग्रुप पॉलिसी लगाई थी वो कहाँ पे लगी है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जाके लगाई है, तो उसका इंपैक्ट कहाँ पे होगा, यूजर्स के ऊपर। लेकिन अगर कंप्यूटर अकाउंट में लगाई होती है पॉलिसी आपने, फिर ये एक पॉलिसी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी अप्लाई हो जानी थी, क्यों, वो पॉलिसी पूरे कंप्यूटर अकाउंट के लिए है, उसके ऊपर जो मर्जी यूज़र लॉगिन करे, चाहे वो लोकल लॉगिन करे, चाहे वो डोमेन का यूज़र लॉगिन करे, वो उसके ऊपर अप्लाई होगी, क्यों, वो कंप्यूटर अकाउंट के ऊपर अप्लाई होंगी पॉलिसी। कंप्यूटर अकाउंट के अंदर जो मर्जी लॉगिन करेगा उस पर वो एप्लीकेबल होगी। तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर पे हालांकि अप्लाई हो रही है, लोकल पे नहीं हो रही, क्यों, आपने यूज़र अकाउंट में वो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जाके वो अप्लाई की थी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में कोई सेटिंग अप्लाई करेंगे तो उसका इंपैक्ट पूरे के पूरे सब यूज़र्स पे होगा, उस मशीन के ऊपर जो भी लॉगिन करेगा। ये बात क्लियर होगी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वाला क्वेश्चन किया। तब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैंने बताया कि इशू क्या आ गया मुझे, डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर भी बाइंड हो गया, वो भी कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जीपी अपडेट करता हूँ, वहाँ से मैंने उस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया था कंट्रोल पैनल वाली। तो बेहतर तरीका क्या था, एक नया जीपीओ बनाते, उसको सेल्स के ओयू के साथ बाइंड करते, सेल्स के यूजर्स के ऊपर उसका इंपैक्ट होता सिर्फ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर, कहता है कि नया जीपीओ क्रिएट करो और उसको बाइंड किसके साथ कर दो, सेल्स के ओयू के साथ। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस डोमेन के अंदर आपके इन्वायरमेंट में जितने जीपीओज बने होंगे वो सारे के सारे किसके अंडर शो हो रहे होते हैं,
ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर दो ओयू थे तो दोनों शो हो रहे हैं। तो मैं एक नया ओयू भी यहाँ से नया जीपीयू क्रिएट कर सकता हूँ राइट क्लिक करके न्यू, मैं इसका नाम रख देता हूँ सेज अंडरस्कोर जीपीयू, सेज अंडरस्कोर जीपीयू के नाम से फॉर एग्जांपल आपने रख दिया, रीनेम करें SALE सेज अंडरस्कोर जीपीयू, आगे जाके बताऊंगा स्टार्टर जीपीयू नीचे क्या आ रहा है, फिलहाल आपने नेम देना है जीपीयू को, ओके कर देना सिंपल। अब सेज अंडरस्कोर जीपीयू आपका आ गया, अब आप क्या करते हैं राइट क्लिक करके लिंक एग्जिस्टिंग जीपीयू, ऊपर वाली ऑप्शन क्या थी यहीं पे क्रिएट करो यहीं पे बाइंड कर दो, नीचे वाली की आपने जीपीयू आपके पास पहले से पड़ा हुआ है और आपने बाइंड करना है, मैं राइट क्लिक करके करता हूँ लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीयू, जितने जीपीयू थे शो हो गया, मैंने कहा कि सेज वाला जीपीयू अप्लाई कर दो। अब बाय डिफॉल्ट जीपीयू आपके पास आ गया, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई सेटिंग भी डिफाइन नहीं है, ये जीपीयू बन गई आपके पास लेकिन इस टाइम ये एम्प्टी है, कोई सेटिंग्स इसके अंदर प्री कन्फिगर्ड नहीं है। कन्फिगर करने के लिए आप राइट क्लिक करके इसको एडिट करते हैं, तो ये पॉलिसीज में चले जाएं, विंडो सेटिंग में, सिक्योरिटी सेटिंग्स में, यहाँ पे पासवर्ड वाली पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने करनी है कंप्यूटर पे जाके। फिलहाल मैं क्या करने लगूँ यहाँ पे कंट्रोल पैनल वाली पॉलिसी डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहीं पे कंट्रोल पैनल को क्या करता हूँ डिनाई कर दो, किसके लिए सेल्स के यूज़र्स के लिए, इसको मैंने इनेबल कर दिया यहाँ पे, देखें ये इनेबल होगी। अब क्या होगा डोमेन के यूज़र्स के लिए, वो पॉलिसी मैंने यहाँ से मैंने ख़त्म कर दी थी, ठीक है डिसेबल कर दी थी कंट्रोल पैनल डिनाई वाली पॉलिसी, और सेल्स वाले ओयू पे सॉरी सेल्स वाले जीपीयू पे अप्लाई कर दिए, सेल्स वाले जीपीयू को मैंने बाइंड कर दिया ओयू के साथ जाके, ये किसके साथ बाइंड था डोमेन के साथ, इसका इंपैक्ट पूरी डोमेन पे होगा, जबकि सेल्स जीपीयू का इंपैक्ट सेल्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे अप्लाई होगा, लाइक सेल्स के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, सेल्स ग्रुप सेल्स यूजर वन उमर आईफन पीसी, इसका इंपैक्ट इन सब ऑब्जेक्ट्स पे होगा। तो अगर मैं सेल्स अंडर को यूजर वन से लॉग इन करूंगा उस पे क्या होगा डिनाई मिलेगा मुझे कंट्रोल पैनल, सेल्स यूजर टू से भी से टेस्ट यूजर वन से भी, जबकि मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करूंगा तो वो कंट्रोल पैनल वहां पे रीचेबल होगा एक्सेसिबल होगा मेरे पास। तो ग्रुप पॉलिसी आपने क्रिएट कर दी, अब मैं उस यूजर पे जाके यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, साइन आउट किया सेल्स अंडरस्कोर यूजर वन से लॉगिन करता हूँ, ये किसके अंडर ऐड है सेल्स वाले ओयू के अंदर, तो लॉगिन किया इस पे कंट्रोल पैनल देखते हैं, कंट्रोल पैनल इस पे अभी भी रिस्ट्रिक्टेड ही आना चाहिए और वो जो आ रहा है हमारी पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है। अब मैं साइन आउट करता हूँ, अब मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से दोबारा लॉगिन करता हूँ, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होने के बाद देखते हैं कंट्रोल पैनल रीचेबल है कि नहीं, पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है क्यों होना चाहिए, अब इसके ऊपर तो कंट्रोल पैनल अलाउ ही है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, इसके अंदर मैंने डिनाई किया हुआ है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर वो कहाँ पे पड़ा हुआ है इस यूजर्स वाले ओयू के अंदर, और इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, सेल्स वाले के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे, पास में मैंने डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का ही 1 2 3 रख दिया, बार बार टाइप करना पड़ता है हमें, कंट्रोल पैनल में गया तो कंट्रोल पैनल रीचेबल है, ठीक हो गया। तो अपने हाथ पांव बताने का मकसद ये था, अपने हाथ पांव खुद नहीं बांध लेने आपने, डोमेन पे जब भी पॉलिसी अप्लाई करनी है उसका ये देखेंगे यार ये एडमिनिस्ट्रेटर पे भी अप्लाई हो जानी है, आपने गलती से फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक प्रोग्राम अलाउ वाली ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर दी, जीपीओ को यहाँ से बंद कर दिया और आप पॉलिसी बाद में चेंज करना चाहते हो तो आपका जीपीओ भी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की कंसोल ही ओपन ही होगी, तो आप खुद फंस जाएंगे। तो डोमेन पे जब भी पॉलिसी अप्लाई करनी है सोच समझ के हमेशा किस पे अप्लाई करें, बेटर मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट वाइज सेल्स है मार्केटिंग का अपना ऑब्जेक्ट बनाएं, बाय डिफॉल्ट कोई नहीं होता, इसको रिफ्रेश करें, पॉलिसी आपने डिफाइन की है रिफ्रेश करें, वो पॉलिसी यहाँ पे आपके पास आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में वो कहता है आपने कंट्रोल पैनल की पॉलिसी डिफाइन की है वो यहाँ पे शो हो रही है, शो करें ये पॉलिसी उसने बता दी कि प्रोबिटी एक्सेस उन कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग्स वो इनेबल की है, तो जो सेटिंग कन्फिगर होगी आप वो यहाँ से देख सकते हैं। ये था इतना, इसके अलावा थोड़ा सा एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूँ, एक यूज़र है इसको साइन आउट कर रहा हूँ मैं, इस पॉलिसी को चाहे ख़त्म करवा लें अब कंट्रोल पैनल वाली को, इसको नोट कन्फिगर कर रहा हूँ मैं, क्लाइंट मशीन पे आकर सेज अंडर को यूज़र वहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। इसी तरह बाकी ग्रुप पॉलिसीज भी आप डिफाइन कर सकते हैं,
यूएसबी ब्लॉक वगैरह वाली। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसकी मैं फायरवॉल की सेटिंग्स दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली आपको। इसकी सेटिंग इस टाइम इनेबल है, यूज़र बड़ा सियाना था चाहता कि फायरवॉल डिसेबल हो जाए तो सिक्योरिटी इशू आ गया आपके पास, यूज़र ने फायरवॉल अपनी बंद कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, मशीन पे जाके मैनुअली इनेबल करा रहा है, अच्छा तरीका नहीं है। आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू फायरवॉल को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इस मशीन को आप पिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि हर मशीन को मैं पिंग कर सकूं अपने नेटवर्क में 10/21/60/60 करके आप इस मशीन को पिंग लगाते हैं तो पिंग हो रहा, क्यों, फायरवॉल इसकी इनेबल है, फायरवॉल डिसेबल है। यहाँ पे देखिए क्या है, इस टाइम फायरवॉल बंद है और पिंग आपके पास आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, फायरवॉल ग्रुप पॉलिसी के थ्रू इनेबल हो, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेल्स वाले ओयू के अंदर ही आता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे पॉलिसीज के अंदर, विंडो सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग्स, और यहाँ पे आ रहा होता है एडवांस विंडोज फायरवॉल की ऑप्शन, विंडोज एडवांस फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सेटिंग्स। तो फायरवॉल की सेटिंग्स की प्रॉपर्टीज में जाएं आप, आपके फायरवॉल की सेटिंग किया है नोट कन्फिगर, मैंने कहा कि फायरवॉल इनेबल करो, डोमेन प्रोफाइल पे भी इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स फायरवॉल में होती हैं और डिफरेंट प्रोफाइल अप्लाई करने के अंदर से डिफरेंट सेटिंग यूजर के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो मैंने फायरवॉल को क्या क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, ओके कर दिया। अब क्या होगा, सेल्स ओयू के अंदर जितने फायरवॉल जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबके ऊपर ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होगी। मैं जीपी अपडेट करता हूँ, तो फायरवॉल देखना ऑटोमेटिकली पीछे से इनेबल होनी चाहिए क्योंकि जीपीओ वहां पे जीपीओ में डिफाइन कर दिया मैंने, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स सक्सेसफुली ग्रुप पॉलिसी अपडेट हुई है। मैं इसको बैक करके आगे करता हूँ नेक्स्ट, तो देखिए फायरवॉल मेरी ऑटोमेटिकली इनेबल होगी। क्या आ रहा है, फॉर योर सिक्योरिटी सम सेटिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कि आप फायरवॉल की को डिसेबल नहीं अब कर सकते क्योंकि कुछ सेटिंग्स आपका एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर रहा। आप यूजर फिर कहता है फायरवॉल मैं डिसेबल करूंगा, यहां पे आके देखिए फायरवॉल डिसेबल का बटन ही आपके पास ग्रे आउट हो गया, इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब एक चीज यूजर क्या करता है, रीस्टोर डिफॉल्ट करता है कि सेटिंग्स को मैं रीस्टोर कर देता हूँ। हाँ जी, तो क्या हुआ, फायरवॉल ऑटोमेटिकली आपकी इनेबल हो गई, यूजर ने रीस्टोर डिफॉल्ट किया, रीस्टोर डिफॉल्ट करने पर भी वो यहाँ पे इनेबल है, फिर यूजर इसको ऑफ करना चाहेगा तो वो ऑफ नहीं होगी आपकी। दूसरी रीस्टोर डिफॉल्ट थी, पहले पिंग का रूल ऐड था, पिंग का रूल भी क्या हो गया यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब आप चाहते हैं कि आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ही पिंग अलाउ करें, जैसे ही कोई मशीन आपके नेटवर्क पे आए ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो उसके अंदर पिंग का रूल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। पहले मैंने क्या बताया था, मैनुअली आपको पिंग का रूल ऐड करना पड़ता है। तो देखिए फायरवॉल जैसे ही इनेबल हुई मेरी, ठीक है, पिंग का रूल मैंने रीस्टोर डिफॉल्ट किया, पिंग का रूल पहले मैनुअली ऐड था वो रिमूव हो गया, तो पिंग भी यहाँ से आनी बंद हो गई। तो आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू पिंग स्पेसिफिक पोर्ट भी अलाउ करवा सकते हैं, स्पेसिफिक रूल भी पुश करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिंग बंद आ रही है, मैं स्पेसिफिक पोर्ट अलाउ करना चाहता हूँ, इनबाउंड या आईसीएमपी अलाउ करना चाहता हूँ, इनबाउंड रूल में रखे मैं कहता हूँ न्यू रूल क्रिएट करो, किसका, कस्टम, नेक्स्ट, ऑल प्रोग्राम्स, नेक्स्ट, पिंग अलाउ करनी है यहाँ से, मैंने कहा कि आईसीएमपी वर्जन 4 को अलाउ कर दो, एनी डेस्क सारी प्रोफाइल्स पे स्पेसिफिक प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे कहा कि पिंग अलाउ करके फिनिश किया आपने। यहाँ पे देखें ग्रुप पॉलिसी फॉरन इम्पैक्ट नहीं हुई, फॉरन इम्पैक्ट होती है यहाँ पे पिंग आना शुरू हो रहा था। मैं यहाँ पे दोबारा जीपी अपडेट स्लैश फोर्स करता हूँ, तो जैसे ही यहाँ पे यूजर पॉलिसी अपडेट होगी आप एडवांस सेटिंग में जहाँ पे जाएंगे इनबाउंड रूल में एक रूल ऐड हो जाएगा आपके पास, ये जैसे ही रूल ऐड हो गया यहाँ पे पिंग का रिप्लाई आपको आना चाहिए, ये देखें ये रूल पिंग, हालांकि ग्रुप पॉलिसी मैंने नहीं पिंग का रूल मैंने यहाँ पे आके नहीं ऐड किया, मैंने डोमेन कंट्रोलर पे ऐड किया, यहाँ पे सिर्फ जीपी अपडेट किया है और ऑटोमेटिकली पिंग का रिप्लाई आना शुरू होगा। क्यों, पिंग का रूल मैंने सर्वर पे डिफाइन किया, वो ऑटोमेटिकली आ गया। यूजर चाहते हैं कि यार मैं यहाँ से पिंग का रूल डिलीट कर दूँ, डिलीट नहीं कर सकता, क्यों, ये सेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर ने पुश करवाई, यहाँ जो कस्टम जो यूज़र ने खुद क्रिएट कर किए थे यूज़र उनको डिसेबल कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जो प्री डिफाइंड है यूज़र खुद जो कस्टम यहाँ पे खुद क्रिएट करेगा वो यूज़र यहाँ पे डिलीट कर सकता है। तो आपके नेटवर्क में जो रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट्स वगैरह थी, जो पिंग थी, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी, फाइल शेयरिंग की जो पोर्ट थी, आप वो अलाउ कर दें ताकि हर नेटवर्क के ऊपर आप उसको पिंग कर सके अपने नेटवर्क की हर मशीन को आरटीपी कर सके फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन।
जो रिमोटली नेटवर्क के थ्रू डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी से ग्रुप पॉलिसी के थ्रू जो रूल आएगा उसको डिलीट भी नहीं कर सकते आप, इवन कि उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते आप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं जाता हूँ, दिस रूल हैज बीन अप्लाइड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इस तरह स्पेसिफिक पोर्ट भी आप यहाँ पे जाए न्यू इनबाउंड रूल पे रहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे नेटवर्क पे कुछ स्पेसिफिक पोर्ट अलाउ लाइक 3389 RTP, आप कहते हैं कि RTP हर मशीन पे अलाउ, आप उसकी पोर्ट अलाउ करनी पड़ेगी 3389 RTP की पोर्ट होती है TCP 3389। मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे RDP पोर्ट करता हूँ, RDP पोर्ट करके मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ GP अपडेट करता हूँ, GP अपडेट /4 करता हूँ, तो यहाँ पे देखना है एक RDP का GP अपडेट जैसे होता है, मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे एक RDP का रूल भी ऐड हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो RDP पोर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई, इसको भी नहीं आप डिसेबल कर सकते, ठीक हो गया। तो आप सर्वर पे बैठ के सेंट्रल लोकेशन से किसको मैनेज कर रहे हैं, विंडोज फायरवॉल को रूल्स बना के वहां पे पुश करवा सकते हैं, ठीक हो गया। रिफ्रेश इंटरवल बता दिया, ठीक है। नॉर्मल यूजर कंप्यूटर के लिए 90 मिनट, डोमेन कंट्रोलर के लिए 5 मिनट है, और ग्रुप पॉलिसी कब रिफ्रेश होगी, एट स्पेसिफाइड ग्रुप पॉलिसी इंटरवल्स, ये जो ग्रुप पॉलिसी के इंटरवल स्पेसिफिक है डिफॉल्ट ये है, एट एवरी यूजर लॉग ऑन जब यूजर लॉग इन करेगा, एवरी टाइम कंप्यूटर स्टार्टअप जब कंप्यूटर स्टार्टअप करेगा, अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई काम रहा आप फोर्सफुली करना चाहती हैं, फोर्स अपडेट ऑन डिमांड वो भी कर सकती हैं, एरो डाउनवर्ड इसका मतलब यहाँ पे नीचे मैंने एक कमांड दी है, GP अपडेट करें उसे भी पॉलिसी अपडेट हो जाएगी, लेकिन अगर आप फोर्सफुली करवाते हैं तो आप /force का स्विच ऐड कर दें, तो ग्रुप पॉलिसी मैनुअली आपकी फोर्सफुली भी आप अपडेट कर सकते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।